हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राव, तो आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो निरल सॉप कहते हैं, काला साबुन या ऑयल सॉप उसे बोलते हैं, वो साबुन कैसे बनता है और वो जो बनता है उसका रेसिपी क्या है। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आप जान लेते हो तो आप खुद भी साबुन बना सकते हो और उसका जो क्वालिटी है आप ऊपर नीचे करके रेट वाइज उसे मैनेज कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये मैं परसेंटेज के हिसाब से दूंगा। अगर परसेंटेज का हिसाब साबुन में ऐसे लेते हैं कि अगर मुझे 100 केजी का साबुन बनाना है, उसका मतलब है कि हम 100 केजी का ऑयल लेते हैं। पहले हम 100 केजी का ऑयल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना, जो दूसरा इंग्रेडिएंट से है उसे परसेंटेज के हिसाब से उसे ऐड किया जाता है। दोस्तों, पहले हम ले लेते हैं कोकोनट ऑयल। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं ये साबुन बनता किन किन चीजों से है। दोस्तों, आप किसी भी ऑयल ले सकते हैं, यानी जो जमने वाला ऑयल है आप उसे ले सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम फैटी, राइस वेक्स ऑयल। उसके बाद आता है, जैसे हम लोग कुछ ट्राइबल एरिया में जो मिलता है महुआ ऑयल, उसे मतलब महुआ ऑयल, जिसे टोलो तेल भी उसे कहते हैं। और उसके बाद आता है सोया ऑयल और डाल्टा ऑयल, इनको लेकर हम बना सकते हैं सोप, यानी नीरल सोप होता है या काला साबुन कहते हैं उसे, और ऑयल सोप, ये हम बना सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो काला साबुन होता है ना, वो एक सस्ती तेल से बनता है। तो सस्ती तेल, आजकल जो भी तेल आप लेते हैं उस तेल का जो प्राइस होता है 100 रुपया से नीचे का नहीं होता है। तो उस वक्त तो हम क्या करते हैं ना, पाम फैटी या राइस ब्रांड वैक्स को लेते हैं उसके मैनेज करने के लिए उसके प्राइस को। और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो तेल यूज हो गया है, यानी होटल में जो तेल यूज करते हैं, ज्यादा दिन यूज करने के बाद उसे फेंक देते हैं, उसी ऑयल को हम खरीद कर लाकर उसे जो बनाते हैं, तो उसे बनता है काला साबुन, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो काला हो जाता है। तो उसी से हम काला साबुन बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, उसका किसी का परसेंटेज क्या होता है। दोस्तों, अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हो तो 20% कोकोनट ऑयल, पाम फैटी 30% और राइस डानवेक्स 50%, आपने इसे ऑयल ग्रेड में ले लीजिए। अब यह बन गया 50%, 30%, 20%, यानी वो 100% बन गया है। अब हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो कितना कितना परसेंट का लेंगे। दोस्तों, उसमें डालते हैं कास्टिक सोडा हम लेंगे 20%, यानी 100 केजी है उसका 20%, 20 केजी उसी हिसाब से लेना है। और वाटर 50%, यानी 50 केजी। और उसके बाद लेते हैं सिलिकेट। दोस्तों, ये जो सिलिकेट हम लेते हैं वो 30% लेंगे। 30% लेने से वो टोटल बन गया 30, 50, 20, वो टोटल बन गया 100, यानी हम एक्चुअल में हम 100% का ले रहे हैं। और ये जो सब्स्टिट्यूट है, यानी वो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स, यानी ऑयल का तो हम 100% ले चुके हैं, ये चीज उतनी उतनी परसेंटेज में उसमें डाला जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उसमें फोम क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम उसे ऐड करते हैं AOS। AOS 10 ग्राम ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो एसिड सैलरी कुछ हद तक उसमें ऐड कर सकते हैं। एसिड सैलरी एक क्लीनिंग एजेंट और फोमिंग एजेंट भी, AOS एक फोमिंग एजेंट है, और उस AOS का प्राइस सस्ता होने के कारण ज्यादातर हम AOS को इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आता है सिलिकेट। सिलिकेट को हम इसीलिए यूज करते हैं कि उसका प्राइस भी सस्ता रहता है, वो कुछ हद तक साफ करने में मदद देता है, और वो बंडिंग करता है। मेन जो काम होता है उसे बंडिंग का, अगर आप सोप बना रहे हो उसका बंडिंग जबरदस्त होना चाहिए, वो काम करेगा सिलिकेट। पहले आप कास्टिक को डाल दीजिए और उसके बाद पानी ऐड कर दीजिए। पानी और कास्टिक को आग में पहले मिक्स कीजिए, उसे मिक्स करने के बाद उसमें डालिए सिलिकेट। दोस्तों, सिलिकेट डालने के बाद उसे मिक्स कीजिए, वो ब्राउन कलर का आ जाएगा और उसका तार जैसे है ना वो लगेगा, नीचे जैसा खसते टाइम ना तार जैसे लगेगा वो, यानी धार वाला हो जाएगा। तो आप जान जाएंगे कि आपका सिलिकेट बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही उनका ले बन जाता है तो और एक बर्तन में ये सारे ऑयल को मिक्स करके रखिए और उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, वो मेल्ट हो जाए। तो ये जो गर्म ऑयल है उसमें डाल दीजिए और उसे मिक्स करते रहिए। दोस्तों, डालते तो जैसे हम कास्टिक और सिलिकेट में डालेंगे उसे, वो थोड़ा फोम आएगा ज़्यादा, तो उसे आंच को थोड़ा कम कर लीजिए।
और उसे मिक्स करते रहिए, कंटिन्यू मिक्स करते रहे। मिक्स करते रहते समय वो ऐसा टाइम आएगा जैसे उसका जो फोम है घट जाएगा और वो धीरे धीरे पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जितना चाहिए, आपका मर्जी है, क्योंकि आप वो बड़ा हार्ड पेस्ट करके उसे निकाल सकते हैं या थोड़ा सा सॉफ्ट पेस्ट करके उसे निकाल सकते हैं। अगर उसमें ऑयल या जो वाटर का जो परसेंटेज उसमें ज़्यादा होगा तो आपका जो साबुन है वो ज़्यादा निकलेगा। मगर यही से एक काम होता है दोस्तों, कुछ लोग यही से डोलोमाइट ऐड करते हैं, ध्यान रखें दोस्तों, कुछ लोग यही से डोलोमाइट ऐड कर देते हैं। ये जो डोलोमाइट आर इसीलिए करते हैं कि उसका जो हार्डनेस आ जाएगा और वेट भी ज्यादा हो जाएगा और उसका साबुन का जो प्राइस है वो घट जाएगा। और डोलोमाइट का और एक अच्छा काम होता है दोस्तों, कि जब डोलोमाइट मिक्स साबुन को हम साफ करते हैं ना, तो वो डोलोमाइट का पाउडर होता है वो निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, और जो लोगों को लगता है कि उनका ड्रेस से मॉइल निकल रहा है, अरे बाप रे मेरा इतना मॉइल निकल रहा है, तो उनको लगेगा कि ये साबुन अच्छा साफ कर रहा है, तो इसलिए भी डोलोमाइट मिलाया जाता है। तो आप इसी तरह से आप बना सकते हैं। ये सारे रजिस्टर बनाने के बाद उसे एक जगह में उसे ले आइए, उसे एक मोल्ड में डालिए और उसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाता है, उस सूखने के बाद उसे कटिंग कर लीजिए, तो आपका साबुन बन के तैयार हो जाएगा। आप जैसे निरोल सॉप कहते हैं ना, उसे निरोल सॉप हो या काला साबुन हो, उसी तरह आप बना सकते हैं। और एक स्टाम्प पैड आता है, आप उसे आयरन में स्टाम्प पैड बनाकर उसके ऊपर थप्पा लगाए, स्टाम्प मारिए, तो वो बिल्कुल आपका ब्रांड का स्टाम्प उसमें लग जाएगा और आपका साबुन बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आप जो काला साबुन या निरोल सॉप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त बिजनेस रिलेटेड हैं तो उनके पास उसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों यहीं से हमारा वीडियो खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।